हेलो हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेकअप करना तो बहुत आसान है, आसान नहीं, आई थिंक अच्छा लगता है कि मेकअप करना है। मेकअप उतारना है जब, तब होता है कि हाँ अब मेकअप उतारना है। और मैं मेकअप उतारने जा रही थी और मैंने सोचा आपके साथ भी जो है रूटीन वो शेयर कर लूँ कि मेकअप करने के बाद मैं कैसे जो इसको वॉश करती हूँ और पहले बालों को टाई कर लेंगे। और मैं लूंगी गुड वाइफ का मेकअप क्लींजर, ये ग्रीन टी फ्लेवर है। पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी इसको। देखते हैं ये लिपस्टिक को भी उतार पाता है कि नहीं। कॉटन के साथ आप इसको आंखों में बहुत ही जलन करता है ये, इसलिए ध्यान रखें जब उतारें। और इसने पूरा ही क्लीन कर दिया। अब हम कोई भी फेस वॉश के साथ इसको वॉश कर लेंगे। मैंने फेस वॉश के साथ इसको वॉश कर लिया और टैप टैप करके हम इसको साफ करना है, रगड़ना नहीं है अपने फेस को। इसके बाद मैं टोनर लूंगी, ये भी गुड वाइफ का टोनर है। आप इसको नाइट वेयर भी कर सकते हैं, नाइट में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी, ये भी गुड वाइब्स का है, मॉइस्चराइजर है, जेल मॉइस्चराइजर, ये मैं अप्लाई करूंगी। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसके साथ भी एक अलग सी शाइन आ जाती है। अच्छे से इसको मसाज की तरह अप्लाई करेंगे। ये जेल मॉइस्चराइजर इसलिए ऑब्जर्व होने में थोड़ा सा जो ये टाइम लेता है, ये हमारी स्किन में चला गया है। इसके बाद मैं लूंगी, ये भी गुड वाइब्स का है सीरम, ये अप्लाई करूंगी। ये थी मेरी मेकअप के बाद की वीडियो, और मेकअप कैसे रिमूव किया जाता है, उसके बाद क्या क्या जो है वो मेरी रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर की है। और आप भी ऐसे कर सकते हो कि आपका जो स्किन है वो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा जब आप मेकअप के बाद कोई ट्रीटमेंट करते हो तब। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।